पिछले साल जून में सम्यक का पहला आयोजन रीवा के पंधर पार्क में हुआ था। इस दौरान सम्यक ने प्रदेश के 45 जिले में 138 विधानसभा में अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते सम्यक के कर्ता धर्ताओं ने 22 मार्च को भोपाल में शिक्षित बेरोजगारों का एक बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके चलते रीवा के काफी हाउस में पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों को दी गई जानकारी। ये आज की बैठक का उद्देश्य जी सम्यक अभियान यूथ कॉरपोरेशन हम लोगों ने 2 मई 2022 को रीवा से शुरू किया था, क्योंकि हमें यूथ पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों पे इस अभियान की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में किया है। और जब मैंने रीवा से इसकी शुरुआत किया था, माननीय भास्कर राव रोकड़े जी, चूँकि वो एक थिंकर हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हमने किया। रीवा की शुरुआत हुई और रीवा शुरुआत के बाद मैंने एक जानकारी ली, सर्वे किया कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हमारे यहाँ कितने हैं, तो लगभग हर विधानसभा में औसत 12 से 13 हज़ार शिक्षित बेरोजगार हमें निकल के आए। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार अकेले रीवा जिले में। हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम किया हमने, शहडोल में किया, उसके बाद भोपाल में किया, ग्वालियर में किया। उसके बाद मुझे लगा कि चूँकि इस अभियान की बात जब तक हम युवाओं से संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी बात उनके पास तक रख नहीं पाएंगे। तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर से हमने रायसेन के बरेली जिले से इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। 45 दिवसीय यात्रा हम लोगों ने निर्धारित की, वाहन यात्रा करके मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अधिक से अधिक विधानसभाओं में युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे। वो संवाद हमने मध्य प्रदेश के 45 जिलों में लगभग संवाद स्थापित किया। 132 विधानसभाओं के लोगों से हमारी बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद कई जिलों में कार्यक्रम के बाद अभी पिछले 10 फरवरी को मध्य प्रदेश के इसी रीवा में फिर से हमने पद्मधर पार्क में कार्यक्रम आयोजित करके प्रथम चरण जो हमारा था, हमारे इस अभियान के प्रथम चरण का हमने समापन किया। अब जब दूसरे चरण पर जब हमने इस बीच में अभियान के मुद्दे पर मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि मुद्दे हमारे यूथ ऑपरेशन के हैं, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जिसमें हमने ये निर्धारित किया था कि जो है हमारा जो पहला मुद्दा है, जो जब हमने इस बात का सर्वे किया कि मध्य प्रदेश में 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके पास रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, तो हमने जब आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी ने इस पर अध्ययन किया कि आखिरकार इसके कारण क्या हैं, तो उन्होंने देखा कि अगर जो हमारे पास संसाधन विद्यमान है, अगर हम उसके युक्तिकरण के माध्यम से कुछ काम करें तो ढेर सारे बेरोजगारों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। उन्होंने अपने जो हमारे जो मुद्दे निर्धारित किए सम्यक अभियान के, तो पहली चीज़ तो हमने देखा कि लगातार देश में जो है खासकर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है। कभी मध्य प्रदेश में 58 साल की रिटायरमेंट आई थी, फिर 60 साल, 62 साल, 63 साल, 65 साल की बात हो रही है, और प्रॉपर जो है उन्होंने एक एजेंडे के तहत ये निर्धारित कर लिया है कि हमें मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ानी है। और जब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज लगातार बढ़ती चली जाएगी तो हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनके अवसर कहीं ना कहीं कम होंगे। इसके लिए हमने ये निर्धारित किया कि 58 साल की रिटायरमेंट जो एज है उसको फिर से किया जाए। उसके पर हमने जो पूरे मध्य प्रदेश का डेटा निकाला है तो लगभग 5,30,000 हमारे कर्मचारी रिटायर होंगे, और 5,30,000 अगर हमारे कर्मचारी रिटायर होंगे तो 5,30,000 नए बच्चों के नौकरी के अवसर क्रिएट होंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा मुद्दा रखा, न्यूनतम वेतन अधिनियम का मुद्दा रखा। न्यूनतम वेतन अधिनियम, आज भी आप सभी जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तो 1948 में इस देश के सदन ने पारित किया, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए जीवन यापन की व्यवस्था का सुधार हुआ, उनको कुछ न कुछ एक निर्धारित रेट मिलना शुरू हुआ है। लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूल में टीचर 5,000, 6,000, 8,000 में पढ़ा रहे हैं, जिसमें उनका परिवार नहीं चलता। प्राइवेट स्कूल में जो और जो ढेर सारे निजी कंपनियों में बाबू हैं वो 8 से 10 हज़ार में काम करते हैं। प्राइवेट में इंजीनियरों की स्केल बहुत अच्छी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सहित समूचे हिंदुस्तान में न्यूनतम वेतन अधिनियम चालू हो, जिससे कम से कम लोगों को इतना तो वेतन मिले जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। आज हमारे यहाँ सम्यक अभियान के जिला कार्यकारिणी की आज घोषणा ये की जानी है, और हमें हर बूथ पे, हर वार्ड पे, हर जगह हमें जिले के अंतर्गत, हर मतलब विधानसभा के अंतर्गत हमारी टीम, हमारी मतलब कार्यकारिणी के लोग वहाँ पे जाएंगे और इस अभियान को
हर हालत में इस सफल बनाने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज हमारी जो 36 सदस्यीय जिला ये कार्यकारिणी की घोषणा आज हम मतलब होनी है, जो हमारे प्रदेश श्रीवास्तव जी के मतलब इस सहमति से घोषणा होगी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और सम्यक अभियान के माध्यम से हम रीवा को पूर्णतः बेरोजगार मुक्त होने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे।